इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा आयोजित वेस्ट जॉन वाइस चांसलर्स मीट में उपस्थित ए के अध्यक्ष डॉक्टर तेज प्रताप जी महासचिव डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी एवं अन्य पदाधिकारीगण कुलपतिगण और सभी शिक्षाविदों तथा मीट के मेजबान जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री संदीप बख्शी जी सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह सुखद है कि पश्चिम क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन रणनीति के संदर्भ में आयोजित शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विषयक महत्वपूर्ण मीट में संवाद करने हम ऑनलाइन यहाँ एकत्र हुए हैं मैं ये जानता हूँ कि उन्नीस से 25 में स्थापित एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज देश के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और उच्च शिक्षा के विकास हेतु निर्णय लेने वाली समितियों और आयोगों का एक अभिन्न अंग होने के साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है आज की यह बैठक आज की ये बैठक इसलिए भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ कि इसमें देश की नई शिक्षा नीति के आलोक में उच्च शिक्षा की भावी दिशा पर विमर्श करने की पहल हुई है देश में चौंतीस साल बाद आई नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की विचारधारा का पोषण करने के साथ ही देश के दीर्घकालीन विकास में शिक्षकों और विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका तय करने वाली है मैं ये मानता हूं कि यह पूरी तरह से भारतीय जनमानस की भावनाओं आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली है शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही इसमें शिक्षक शिक्षा पर भी सर्वथा नवीन दृष्टिकोण है यह सुखद है कि आज की इस मीट में स्किलिंग अपस्किलिंग और रिस्किंग इंडिया की सोच के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा में सुधार पर विमर्श हो रहा है हमारे यहां शास्त्रों में आता है नेत नेत का महत्व है अर्थात अंत नहीं है वही सब सत्य नहीं है जो चल रहा है अभी और मंजिल तय करनी है नई शिक्षा नीति को भी इस संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है और विश्वविद्यालयों को तो मैं ज्ञान के अजस स्रोत मानता हूँ मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय ऐसे प्रकाश गृह हैं जिनसे पूरा समाज आलोकित होता है यहाँ सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति ज्ञान की हमारी प्राचीन परंपराओं के पोषण के साथ ही आधुनिक ज्ञान विज्ञान के नवीन मार्गों के लिए भी प्रेरित करने वाली है मैंने इसका समग्रता से अध्ययन किया है और इस बात को गहरे से अनुभूत किया है कि नई शिक्षा नीति में विज्ञान कला संस्कृत के साथ भारतीय विचारधारा से जुड़े संस्कारों से संबद्ध अध्ययन की स्वतंत्रता दी गई है शिक्षा में विद्यार्थी की स्वयं की रुचि बेहद महत्वपूर्ण होती है इसी से उसका कालांतर में सर्वांगीण विकास संभव होता है इस दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित है इसमें स्पष्ट इस उल्लेख है कि न तो किसी भाषा को विद्यार्थी पर थोपा जाएगा और न ही किसी भाषा का विरोध किया जाएगा इस नीत के सब सेक्शन फिफ्टीन फोर में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषयों में पढ़ाई करने कराने के तरीकों की विविधता के साथ ही उच्च स्तर की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है इसी तरह इसमें शिक्षकों की क्षमता वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है इसके तहत दूसरे उच्च स्तर के प्रोफेशनल्स के साथ ही शिक्षकों को भी समाज में उच्चतम स्तर से जोड़े जाने की बात है उद्देश्य यही है कि देश की उच्च शिक्षा में विश्व स्तर पर गुणात्मक विकास हो मैं मैं भी ये मानता हूं कि शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है महर्षि अरविंद ने कभी कहा था कि शिक्षक वह माली है जो समाज रूपी नर्सरी की निराई गुडाई कर उसे संवारता है इसलिए शिक्षक का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है देश की भावी पीढ़ी के चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा कार्य कोई करता है तो ये शिक्षक ही करते हैं इसलिए उन्हें सम्मान देने का अर्थ है हम अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है मैं ये मानता हूं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों पर दोहरी तिहरी नहीं बल्कि इससे भी अधिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें कक्षा में केवल पढ़ाना भरी नहीं होता है बल्कि उच्च तकनीक से जुड़े साधनों के बेहतर इस्तेमाल से अधुनातन ज्ञान विज्ञान का प्रसार भी विद्यार्थियों में करना होता है स्वाभाविक ही है कि इसके लिए शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण के जरिए उनमें दक्षता वृद्धि पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है व्यावसायिक शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन और उसके जरिए आत्मनिर्भर भारत की सोच को तभी सही माने में साकार किया जा सकता है जब शिक्षकों के प्रशिक्षण की उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ ही उन्हें युगानुकूल तैयार करने पर विश्वविद्यालय कार्य करे नई शिक्षा नीति में इस सब के लिए ही विशेष जोर है नई शिक्षा नीति में मजबूत अनुसंधान संस्कृति हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की स्थापना की बात कही गई है एनआरएफ का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा पहली बार ऐसा हुआ है जब स्वतंत्र रूप से शोध संस्कृति के विकास के लिए इस तरह का प्रावधान शिक्षा नीति में किया गया है विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने यहां नवीनतम शोध और अनुसान अनुसंधान की ऐसी संस्कृति विकसित करें जिससे विद्यार्थी बहुत सारी किताबों के संदर्भ से एक पुस्तक तैयार करने की सोच की बजाय अपने स्वयं के अनुभव अध्ययन से मौलिक स्थापनाओं की वो प्रवृत्त हो मैं ये चाहता हूं कि विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध महाविद्यालय शोध और ज्ञान के केंद्र बने शिक्षण संस्थाओं की पहचान वहां की सुंदर इमारत और सुविधाओं से नहीं होनी चाहिए बल्कि वहां की चिंतन परंपरा से होनी चाहिए शिक्षा की सार्थ समर्थता का पैमाना भारतीय संस्कृत के जीवन मूल्यों से निर्माण ही है शिक्षा को मैं त्रिमुखी प्रक्रिया मानता हूं इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं शिक्षक शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षक का पुनित कार्य शिक्षार्थी को पढ़ाना है और पाठ्यक्रम ही इसका माध्यम है शिक्षा का मूल प्रयोजन मानव के तीनों आयामों बुद्धि मन तथा शरीर को स्वस्थ बनाकर उसे सुसभ्य सुसंस्कृत तथा विकासोन्मुख बनाना ही है विश्वविद्यालय को चाहिए कि वे विश्व में निरंतर हो रहे आधुनिक शोध और ज्ञान के खुल रहे नए दरवाजों से विद्यार्थियों को प्रवेश करने से में उसमें उसको सक्षम बनाए इस अवसर पर मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनके द्वारा स्थापित शांति निकेतन से जुड़ा उनका चिंतन विशेष रूप से स्मरण हो रहा है गुरुदेव ने कभी कहा था यदि शिक्षक स्वयं अध्ययन नहीं करता तो सच्ची शिक्षा नहीं दे सकता जो दीपक स्वयं बुझ गया है वह दूसरे दीपक को क्या जलाएगा यदि किसी शिक्षक ने अपने विषय के अध्ययन की इतनी कर ली है जिसने अपना ज्ञानवर्धन समाप्त कर दिया है और जो पिछली बातें ही दोहराता रहता है वह विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं करता है वह उनका मस्तिष्क प्रखर नहीं बना सकता अदा शिक्षक को आजीवन अध्ययन परायण रहना चाहिए इस आज जब तेज से सूचनाओं का प्रसार हो रहा है और विश्व में नित्य नए ज्ञान विज्ञान के आविष्कार हो रहे हैं यह जरूरी है कि विश्वविद्यालय के कुलपति अपने यहां ऐसी अध्ययन अध्यापन प्रणाली विकसित करें जिससे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान ही नहीं मिले बल्कि नवीनतम ज्ञान विज्ञान से भी वह अपडेट रहे विद्यार्थी केवल रटन तो विद्या से ही नहीं जुड़े बल्कि उनके मस्तिष्क इस रूप में तैयार हो कि वे अपने आसपास के परिवेश में घटित तमाम प्रकार की जानकारियों में सहभागी होकर भविष्य में समाज के सकारात्मक बदलाव के बड़े निर्णायक बन सके हमारे यहाँ शिक्षा प्रदान करने की गौरवमय प्राचीन परंपरा रही है महर्षि दुर्वासा का चलता फिरता विश्वविद्यालय प्राय दस हजार शिक्षार्थियों से पूर्ण था वाल्मीकि वशिष्ठ अंगिरा भारद्वाज आदि प्राचीन कुलपति थे ऋषि भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा के गुरु थे उन्होंने जो शिक्षा दी वह जीवन व्यवहार की ऐसी शिक्षा थी जिसे मानव कल्याण सन्निहित था मैं आप सब कुलपति गणों का ये भी आह्वान करता हूं कि आप ऐसे विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालयों में तैयार करें जिनसे बाद में आपकी भी कालजयी पहचान बन सके अपने यहां इस तरह से अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था विकसित करें जिससे शिक्षकों के उत्कृष्ट प्रशिक्षण को ही प्रभावी रूप से क्रियान्वित क्रियान्वित नहीं तो किया जा सके बल्कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न संकायों में युगानुकूल व्यावसायिक और पेशेवर विद्यार्थियों विद्यार्थी तैयार होकर निकल सके नए शिक्षा नीति की मंशा को समझते हुए विश्वविद्यालय अपने यहां आधुनिक समय की मांग के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें जिनसे विद्यार्थियों के स्वयं का रोजगारी सुनिश्चित ना हो सके बल्कि वे दूसरों को भी रोजगार दे सकने में सक्षम बन सके शिक्षा से ही किसी देश का भविष्य तैयार होता है स्वाभाविक ही है कि इसके लिए शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा हिस्सा होना चाहिए नई शिक्षा नीति में देश की जीडीपी का पी फीसदी शिक्षा में लगाने का लक्ष्य इसीलिए रखा गया है कि शिक्षा के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत की सोच को ही प्रभावी रूप में क्रियान्वित नहीं कर सकें बल्कि भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में पहचान बन सके विश्वविद्यालय के कुलपतियों से मेरा यह भी आग्रह कि वे अपने यहाँ वर्षों से चल रहे पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने के प्रयास करें यह भी देखें कि भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र अर्थशास्त्र आदि जो सैद्धांतिक ज्ञान की पुस्तकें वर्षों से चली आ रही हैं क्या अब भी उपयोगी हैं इनके नए समय संदर्भों में उपयोगिता और नवीनतम ज्ञान के आलोक में आवश्यकताओं पर विचार करते इनके नवीनतम संशोधित संस्करणों को लागू करवाने करुण की भी कार्रवाई होनी चाहिए इसी तरह लंबे समय से जो पाठ्यक्रम अपडेट नहीं हुए हैं उन्हें भी नई शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप अपडेट करने की कार्रवाई होनी चाहिए मैं स्पष्ट ये मानता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य किताबी कीड़े पैदा करना नहीं होना चाहिए विश्वविद्यालयों में इस तरह की शिक्षा का प्रसार होना चाहिए जिससे न केवल देश के भावी अच्छे नागरिक तैयार हों बल्कि इस तरह के विद्यार्थी निकले जो देश की समृद्धि के लिए भविष्य में काम कर सके मैंने राजस्थान के विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिकाओं के निर्माण की पहल की है मुझे खुशी है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ये वाटिकाएं बन गई हैं इसके पीछे मंशा यही है कि देश के विद्यार्थियों में हमारे लोकतंत्र संविधान और संभाव की हमारी संस्कृति के बारे में अध्ययन के दौरान ही जागरूकता का प्रसार हो मुझे प्रसन्नता है कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इस मीट की मेजबान है डॉ संदीप बख्शी को इसके लिए बधाई मैंने आपके यहाँ उम्मीद साइक्लोथान 2019 का आयोजन जब हुआ था तब यहाँ की सुविधाओं को देखा था मुझे बताया गया है कि कोविड के दौर में भी मरीजों को बेहतर सुविधाएं आप द्वारा प्रदान की गई स्वयं मेरी आपकी जो व्यक्तिगत वार्ता हुई थी आप स्वयं यहाँ आए थे उस वार्ता के दौरान भी आपने बताया था कि ये हमारे चिकित्सालय में जो मेडिकल कॉलेज है उसका जो अस्पताल है उसके अंदर आपने स्वयं कोविड नाइन्टीन के मरीजों को लेकर उनकी सेवा सुश्रा की दृष्टि से हम लगे हुए हैं आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है इन सारी चीज़ों के लिए मैं आदरणीय श्री संदीप बख्शी जी को बधाई देता हूँ मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की इस बीच में नई शिक्षा नीति को लागू करने की रणनीति के आलोक में व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधित मुद्दों के साथ ही मेरे सुझाए गए विषयों पर भी आप सभी विमर्श कर देश को उच्च शिक्षा में उत्कृष्टतम बनाने का प्रयास करेंगे आपके इस वैचारिक मंथन से नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही उच्च शिक्षा में सकारात्मक बदलाव की नई राहें खुलेंगे ऐसा मेरा विश्वास है आपने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया और अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं डॉक्टर पंकज मित्तल जी को और डॉक्टर तेज प्रताप जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने जो मैंने संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्य के बारे में वाचन किया है उसको उन्होंने बड़ा सराहा है और अनुभव किया है कि इसको विश्वविद्यालय में आना चाहिए और लोगों को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए इसके लिए मैं इन लोगों को बधाई देता हूं और मैं इतनी बात कहकर आप सब लोगों को बधाई देते हुए जो इसमें भागीदार बन रहे हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं जय हिंद धन्यवाद